गांव के बंदे हैं ना, ऐसे खाते हैं। लेकिन क्या करें, अभी ये अमेरिका और ऐसे ऐसे मुल्कों में रवाज है कि भाई इस चम्मच से खाओ, लेकिन हमारे लिए तो ये अजाब है। सर आपने चिकन पिकाटा का नाम सुना है? चिकन पिकाटा, यार ये तो मेरे लिए कोई नया नाम लग रहा है। हो सकता है खाया हो, क्योंकि डिशें तो इस चैनल पर मैंने बहुत सारी खाई हैं। नहीं सर, ये इस चैनल पर पहली बार ट्राई कर रहा है। चिकन पिकाटा? नहीं यार, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सर ये एक इटालियन डिश है, इटली की। अच्छा, इटली की डिश है। चिकन टिक्का या चिकन कढ़ाई, लेकिन ये चिकन पिकाटा ये पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन ये कि जल्दी से ले आओ, देखें ये है क्या चीज़। अच्छा ये है चिकन पिकाटा। यार ये तो मुझे लगता है कोई मुर्गी वर्गी साबत पड़ा हुआ है, या जो ये दिखने में तो मुझे चिकन ही आ रहा है यार। और ये नीचे क्या है? नीचे सर ये स्पैगेटी है। स्पैगेटी? सर ये है चिकन पिकाटा, ये एक इटालियन डिश है। अच्छा, लेकिन यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त डिश लग रही है। इतना बड़ा पीस रखा हुआ है, ये चिकन का है, यानी स्पाइस क्या कहते हैं इसको, स्पैगेटी। अच्छा इसके साथ में लीमू वीमू भी है, और मेरे ख्याल में क्या बोलते हैं यार, मटर भी है। वाह भाई वाह। मीठे में बनाते हैं, मीठी सेवैयाँ होती हैं वो बनाते, लेकिन ये बड़ा कमाल किया कि ये मसालेदार। बहुत ही ज़बरदस्त यार। कि मैं किसी ना बड़ी होटल वोटल में बैठा हुआ हूँ, बड़ा मज़ा लगा हुआ यार ये थोड़ा। भाई हो गया हो गया यार। ये जो गुड़िया के बाल पड़े हुए हैं इसके साथ का ना, ये खाली बस चिकन ही है जैसे मर्जी आप। अच्छा चलो पहले ऐसे ही ट्राई करते हैं। ओह हो वाह वाह भाई। यार इसमें मतलब इतना मसाला नहीं है, ये मेरे ख्याल से अच्छा है। बहुत ही मज़ेदार यार, मुझे तो लगता है इसमें पनीर या मक्खन वगैरह ये चीज़ें डाली गई है, जिसकी वजह से इतना टेस्टी और जायकेदार बना हुआ है, और थोड़ा खट्टा खट्टा भी लग रहा है ऐसा खाने में। यार इस डिश को ना थोड़ा खाना अजाब है, इसको घुमा फिरा के उठाना पड़ता है। ये देखो फिर भी इतना ये हो गया बड़ा। अच्छा तो ये देखने में तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आलू का पकोड़ा है, लेकिन ये जो है ना चिकन को मतलब मुझे लगता है किसी चटनी में जो है डुबोकर और ये तेल में तला गया है, पकाया गया है, जिसका टेस्ट ऐसा जैसा मखनी मखनी टेस्ट होता है। इतना ज़बरदस्त ये टेस्ट आ रहा है इसका। हम लोग गाँव के बंदे हैं ना, ऐसे खाते हैं। लेकिन क्या करें, अभी ये अमेरिका और ऐसे ऐसे मुल्कों में रवाज है कि भाई इस चम्मच से खाओ। बड़े अमीरों की डिश होगी, यानी कि ये बड़ी बड़ी होटलों में अमेरिका वगैरह वहाँ जो है ना अमीर लोग खाते होंगे, क्योंकि ये गरीबों की डिश मुझे नहीं लग रही, क्योंकि इतना ज़बरदस्त तरीके से सजाया गया है और इतने बड़े बड़े पीस मुर्गी के, तो मुझे नहीं लगता कि ये गरीब खाएँ। ये तो मैं एक वीडियो देखता हूँ, उसमें तो भाई इसको पता नहीं ऐसे चूस लेते हैं। मतलब मुझे तो लगता है ये कि सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें मतलब ज़्यादा मसाला वसाला नहीं है, इसलिए ये मतलब थोड़ा सेहतमंद करेगी बंदे को। ये चिकन पकाटा खाकर, खैर ये तो मेरे लिए एक नया तजुर्बा था, लेकिन ये जो है ना मैं अपने गांव में ख़ुद तो नहीं बना सकता, लेकिन जब भी दिल करेगा ना ये डिश खाने को, तो मैं यहाँ स्टूडियो में आके ज़रूर फरमाइश करूँगा। यार इस चिकन में ना कोई हड्डी बड्डी तो नहीं है? नहीं सर, ये सीने का हिस्सा है चिकन का। अच्छा ओह वाह वाह भाई, यार मुझे तो लगता है ये सीने का हिस्सा है ना, वो हमारा थोड़ा सीना वीना भी बड़ा करेगा जान में, स्टील बॉडी।